सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y02T फोन के इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करने के बारे में। जैसे कि आपको इनकमिंग कॉल लाइट कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनकमिंग कॉल लाइट जो होता है इस तरीके का होता है, एंड इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करना होता है। तो फाइनली यहां पर आपको बताने वाला हूं, अपने फोन के सेटिंग से ही आप लोग इनेबल कर सकते हो। अदरवाइज आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, उस ऐप से भी आप अपने फोन में इनेबल कर सकते हो। अगर आपके फोन के सेटिंग के अंदर ये फीचर्स नहीं है तो आप लोग उस ऐप के जरिए भी अपने फोन में यूज कर सकते हो इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट को। जैसे अगर आपके पास कोई कॉल करता है तो भी आपके फोन में लाइट वर्क करेगा, एंड अगर आपके पास कोई मैसेज वगैरह आएगा तो भी आपके पास नोटिफिकेशन लाइट वर्क करेगा। तो फाइनली इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर वीवो के Y02T फोन के इनकमिंग कॉल लाइट को इनेबल करने के बारे में। अगर आपके पास कोई कॉल वगैरह आएगा तो इनकमिंग कॉल लाइट को जो कि इनेबल करने के बाद आपके फोन में वर्क करेगा। जो कि यहाँ पर आपको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। पहले सेटिंग के अंदर आपको बताऊंगा, सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है एक ऑप्शन, इसके अंदर डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट अगर आपके फोन में फीचर्स नहीं है तो मैं आपको ऐप के बारे में भी बताऊंगा, ऐप से भी आप लोग इनेबल करके यूज कर सकते हो। पहले सेटिंग के अंदर आपको आना है डायनेमिक इफेक्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर देखोगे तो आपको एक लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लाइट इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर इनकमिंग कॉल्स एंड लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, यहां पर आपको इनेबल करना है। यहां से आपका ऑफ होगा, यहां से आपको इनेबल कर लेना। पहला नंबर आपको यहां पर आना है और इसे भी आपको ऑन कर लेना है और इसे भी आपको ऑन कर लेना है। और यहां पर आपको आने के बाद इन सभी सेटिंग को आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है इनकमिंग कॉल लाइट पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहां पर क्या होगा, लाइट आपको अलग अलग कलर में आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग कस्टमाइजेशन करके यूज कर सकते हो इनकमिंग कॉल लाइट को। अब इनेबल करने के बारे में बताता हूं, तो यहां पर आपको कलर कस्टमाइजेशन, कलर कैसा चाहिए, कलर को आपको इनेबल करना है यहां से, और ओके पे क्लिक करके अपने कलर को टैन करके आपको यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ये आपका कलर बन जाएगा। साइजिंग चाहिए तो आपको साइजिंग बढ़ा लेना है, अगर आपको चाहिए साइज को मोटा रखना तो आप लोग मोटा साइज को कर लेना है। इस तरीके से इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग कस्टमाइजेशन करके लगा सकते हो। तो ये दोस्तों यहां पर सेटिंग से हो चुका इनकमिंग कॉल लाइट। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो सेटिंग के अंदर से इनेबल करने के बाद, अगर आप लोग चाहते हो अपने फोन के सेटिंग के अंदर नहीं है, आपके फोन के सेटिंग के अंदर ये फीचर्स नहीं है, तो ऐप के बारे में बता देता हूं। ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर के अंदर ये वाला ऐप आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको सिर्फ सर्च करना है नोटिफिकेशन लाइट, उसके बाद आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। अदरवाइज आपको ऐप नहीं मिलता है तो मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर इस ऐप को आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहां पर क्या होगा कि ऐप आप लोग पढ़ सकते हो, यहां पर कलरफुल नोटिफिकेशन वाला ऐप है और इसके अंदर आपको लाइट वगैरह आप लोग को इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर मैं ऐड आ चुका, तो ऐड को स्किप कर देना है, और स्किप करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहां पर क्या करना, आपको एग्री पे यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आपको तीन से चार ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां पर आपको क्लिक करना ऊपर वाले ऑप्शन पे। आप जैसे क्लिक करोगे अलाउ पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहां पर आपको पहले इनेबल वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके पास कुछ परमिशन मांगेगा ऐप का, तो आपको ऐप का परमिशन देना होगा। तो मैं आपका परमिशन दे देता हूं, यहां से दे दिया मैंने ऐप को परमिशन, और यहां से हमें क्या करना है, बैग हो जाना है। उसके बाद दोस्तों यहां से हमें फिर से बैग होना। अब यहां पर क्या होगा, अलाव पे क्लिक करके फिर से हमें क्या करना है, डिस्प्ले इनकमिंग कॉल्स पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको ओके पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको ऐप को परमिशन देना होगा, यहां से अलाव पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको बैग हो जाना है। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपको डिस्प्ले स्क्रीन लॉक एंड अगर आपको ये सब चाहिए। इसके अंदर क्या खास बात है कि अगर आप लोग म्यूजिक प्ले करते हो तो उसके अंदर भी आपको लाइट वर्क मिलेगा। तो ये सब इनेबल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा, तो परमिशन दे देते हैं यहां से हम। यहां पर इस तरीके से आपको टिक लगा लेना जिस एप्लीकेशन को चाहिए, और उस एप्लीकेशन को आपको टिक लगा लेना है। यहां पर मैं लगाकर आपको दिखा देता हूं, तो म्यूजिक प्लेयर चाहिए, यहां पर कुछ भी चाहिए तो आपको वो लगा लेना है।
तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक प्ले पे मैंने लगा लिया है, यहाँ पर लगाने के बाद आपको यहाँ से बैग हो जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका इनकमिंग को लाइट इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर गैलेक्सी एंड फ्लेक्सिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग लाइटिंग को कलर में कर सकते हो। कलर को इनेबल करके इस तरीके का आपका कलर इनेबल हो जाएगा, यहाँ पर लाइट आपके फ़ोन में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर गैलेक्सिंग का ऑप्शन इस तरीके मिल जाता है, एंड फ्लेक्सिंग पर आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइजिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेकेंड कितना चाहिए और यहाँ पर साइज कितना मैक्सिमम चाहिए, आप लोग मैक्सिमम रख सकते हो। एंड इसके अंदर अगर आप लोग को चाहिए साइज को मोटा करना तो आप लोग मोटा भी कर सकते हो, साइज बेटर लगता है, आप लोग हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इस तरीके का आपका साइज होगा लाइटिंग का। अब यहां पर क्या होगा कि दोस्तों इसके साइज को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। यहां पर आपको फास्ट चाहिए, क्या चाहिए आप लोग भी कस्टमाइजेशन करके यूज कर सकते हो। मैक्सिमम इसको आपको चाहिए इस तरीके से, मैंने यहाँ पर कट कर दिया तो यहां पर क्या होगा कि हमारे फोन में ऐड आ जाएगा, तो ऐड को हमें क्या करना है स्किप कर लेना है। अब क्या होगा दोस्तों, मैंने यहाँ पर बैग हो चुका तो गलती से यहाँ पर आपको क्या करना है इसको कम करना है और इसके अंदर साइज को मेंटेन कर लेना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको लाइट को इनेबल करना है, ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। एंड अपने वीवो के Y02 फोन में आप लोग यूज कर सकते हो, इस तरीके का आपको लाइटिंग वर्क करता है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ म्यूजिक प्ले प्ले करके, तो यहाँ पर हम म्यूजिक प्ले को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने म्यूजिक प्ले को प्ले कर दिया, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इस तरीके का हमारा म्यूजिक प्ले हो जाता है और इसके अंदर हम कोई भी गाना को चलाते हैं तो हमारा लाइट वर्क करेगा। यहाँ पर मैं चलाकर दिखाता हूँ, तो जो कि ये PCL Vivo का जो म्यूजिक प्ले हुआ उस पर काम करता है, जो कि मैंने उसी पर लगाया टिक। यहाँ पर हम करते हैं कट और हम चलते हैं म्यूजिक प्ले के अंदर। यहाँ पर हमें क्या करना है, म्यूजिक प्ले पे आना है और यहाँ पर हमें मिल जाता है Vivo का PCL म्यूजिक प्ले और इसके अंदर हम करते हैं क्लिक, देख सकते हैं लाइटिंग वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली इस तरीके से आप लोग इनेबल कर सकते हो एंड अपने लाइटिंग को एंड अपने Vivo के Y02T फोन में। तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए, आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एंड प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।